उपदेश बहुत बढ़िया, संतों का काम ही। एक बालक था तो एक महात्मा जी के आश्रम में जाता, सेवा करता, सत्संग सुनता, बड़ा सत्संगी था। एक बार वो 2 दिन नहीं आया। कहां रहे भाई तुम? महाराज मेरी सगाई हो गई। महात्मा बोले बड़ा अच्छा, लेकिन अब तुम हमसे गए। वो कुछ नहीं बोला। 2 महीने बाद 5-6 दिन नहीं आया। अब कहां? विवाह हो गया तो माता पिता से गए। वो फिर चुप रह गया। 3 साल बाद फिर 4 दिन नहीं आया। क्यों? आपके सेवक के घर बालक का जन्म। अच्छा, बड़ा अच्छा, अपने आप से भी गए। तो वो पीछे पड़ा। तुम्हारा समझ में नहीं आया, आप नाराज हो? नहीं, नाराज का है, बिल्कुल अच्छा है। वह भी एक मार्ग है, प्रेय मार्ग है, श्रेय मार्ग है, दो ही मार्ग है। अरे इसमें कोई गलत और सही की बात नहीं, दोनों ठीक हैं। अरे भाई, बड़े शहर में 2 सड़कें होती हैं, एक बीच बाजार से जाती, एक बाईपास रोड जाता है। आगे जाके तो सड़कें एक ही होती हैं, तो दो ही है। जो विरक्त हैं वो मानो संसार के शहर के बाईपास रोड से निकल गए, जो गृहस्थ हैं वो बीच बाजार में बेचारे जाम में फंसते, धक्का फक्का खाते, जैसे बना वैसे किसी तरह अपनी गाड़ी निकाल के ले गए। पर आगे तो सड़क एक ही होनी है। लेकिन भाई बड़ी बहादुरी है गृहस्थों की, बाईपास रोड तो वैसे ही खाली पड़ा रहता है, चाहे कोई निकल जाए। वो तो बना ही इसीलिए कोई झंझट ना हो। झंझट तो उनका है जो प्रवृत्ति के बाजार से निकलते हैं। तो महात्मा जी ने कहा कि बुरी बात नहीं, विवाह भी कोई वैसा थोड़ा ही। एक आदमी कह रहा था कि विवाह, देखो विवाह में चरित्र की प्रधानता हो, विवाह में धर्म की प्रधानता हो, विवाह में कर्तव्य की प्रधानता हो, विवाह में प्रेम का आदर्श हो, चरित्र का आदर्श, मर्यादा का आदर्श हो, तो विवाह है। विवाह माने वाह। और जहां न चरित्र न कुछ, वासना और दुनिया भर के विकृतियों से भरकर संबंध जुड़े तो विवाह नहीं होता, वो ब्याह होता, जिसमें आह आह बनी रहे। तो भगवान ने, तो महात्मा जी ने कहा कि भाई तुमने विवाह किया है तो वाह है। बोले सो बात नहीं महाराज, साफ साफ कहो, आप कह रहे थे कि हमसे गए, माता पिता से गए, अपने आप से गए। महात्मा जी बोले निंदा थोड़े की थी, मैंने ये कहा था सगाई हो गई माने अब तुम हमारे रास्ते में नहीं आओगे, तो हमसे गए, अब तुम्हारा मार्ग अलग है। और विवाह होने पर कहा कि माता पिता से गए, क्योंकि आप माता पिता पर जितना ध्यान देते थे तो आप कम ही दे पाओगे, क्योंकि ये भी जिम्मेवारी आ गई है, इसलिए। और बेटा हुआ तो अपने आप से गए। बोले अब अपनी फिक्र कम करोगे, बेटे के लिए करोगे, बेटे के लिए हो जाए, बेटे के लिए हो जाए। बोला महाराज आप तो महात्मा हो, इसलिए कहते हो, संसार में कितना लोग किसको चाहते हैं मुझसे पूछो। महात्मा बोले तू संसार में ही रहे। बोले नहीं नहीं महात्मा बोले बता दें, समय आने पर पता लगेगा। अच्छा ठीक है। कई वर्ष बीत गए, महात्मा बोले कभी बताएंगे। फिर कई वर्ष बीत गए, एक दिन पीछे पड़ा, बोले महाराज बताओ। महात्मा बोले तुम इतने दिन हमसे योगाभ्यास सीख रहा है, योगाभ्यास कर रहा है? हाँ कर रहा, सांस तो रोक लेता। बोले हाँ, भीतर ही भीतर चलती रहती है, लोग समझते बंद है, ऐसा अभ्यास मैंने कर लिया है। तो बोले बस यही प्रयोग करना तू घर में जाके कल। वो सांस रोक के पड़ गया। तो क्या हो गया, क्या हो गया? माता पिता परिवार सब रोने लगे, क्या हुआ क्या? कई उपचार करने वाले आए, पता ही नहीं। अंत में इनके गुरुजी को बुलाओ, बाबा जी के पास जाता था। साधु लोग तो ऐसी मौके पे याद आते हैं कि उनको बुलाओ। बुलाए, संत जी आए। वो तो संत जी की पूरी योजना थी। क्या हुआ? महाराज ये तो गया, बचा लो इसे किसी तरह। संत ने कहा तो भाई मामला तो गंभीर है, लेकिन एक कटोरा दूध मंगाओ। एक कटोरा दूध आया, चीनी डालो इसे, बढ़िया चीनी। महात्मा जी, अब मोहल्ले के लोग भी तमाशा देखने आ गए कि क्या क्या होगा। अब महात्मा जी ने वो चीनी डला हुआ दूध का कटोरा ऐसे घुमाया उस पर, ऐसे साथ, और कुछ ऐसे जैसे मंत्र पढ़ रहे,
पर बोले बस एक ही उपाय है, क्या? ये दूध का कटोरा जो पी ले वो मर जाएगा पर ये बच जाएगा, बोलो कौन तैयार? पिता ने रोते हुए कहा, हम इसे चाहते तो बहुत है पर इतना नहीं चाहते। अब उसकी उम्र पूरी हो गई तो गया, अब किसी के प्रारब्ध में क्यों छेड़छाड़ करें। मां बोली, मैं तो पी लेती महाराज, लेकिन मेरे जाने के बाद मेरे पति की सेवा कौन करे, धर्म बिगड़ जाए। पत्नी से कहा कि बहू, बोली भगवान का विधान है, उसमें कोई क्या कर सकता है, मैं अपने माता पिता के यहां चली जाऊं। अब मोहल्ले वालों ने सोचा किसको नहीं, बाबा अपने को दूध दिखाएगा कि पियो कटोरा, मना करते भी अच्छा नहीं था। तो महात्मा जी ने कहा कि हम पी लें। अरे महाराज, संत तो परोपकार के लिए होते हैं, परोपकार वचन मन काया, संत स्वभाव सहज, अपरित सरिस धर्म नहीं भाई, आप पी लो, फिर आपके आगे पीछे कोई है ही नहीं, रोने वाला आप तो मरकर भी अमर हो जाएंगे, आपकी समाधि बनवाएंगे, मेला लगवाएंगे हर साल, और अब तो महात्मा जी जानते थे कि कुछ होने वाला तो है नहीं, और वो तो सब सुन ही रहा था पड़ा पड़ा। पीकर दूध संत ने लीनी एक डकार, यही बोले उठ बेटा चल मेरे संग, अब देख लिया संसार। बेटा देख लिया संसार, जिन्हें हम हार समझे थे गला अपना सजाने को, वही अब नाग बन बैठे हमारे काट खाने को। देखो सबसे ज्यादा दुखी आदमी को करती है आशा, और जब आशा पूरी नहीं होती तो व्यक्ति छटपटाता है, पागल होता है, और कहता हमें इनसे ऐसी आशा नहीं थी। अच्छा सोचता है कि गलती इनकी, हमें इनसे ऐसी आशा, गलती अपनी आशा ही क्यों थी, वही तो परेशान करती है। सोचो तनिक कामना अपनी जीवन में दुख सुख भरती है, नहीं दूसरा दोषी कोई आशा ही निराश करती है, नहीं दूसरा दोषी कोई आशा ही निराश करती है। क्षण भंगुर विषयों से सुख का स्थाई आधार न मांगो, प्यार करो पर प्यार न मांगो, प्यार करो पर प्यार न मांगो, गैरों से क्या अपनों से भी सपनों का संसार न मांगो, गैरों से क्या अपनों से भी सपनों का संसार न मांगो। तुम्हें दिखाई देती है जो बसी हुई बस्ती यारों की, धोखे में मत आ जाना ये दुनिया है दुकानदारों की, और व्यवसायी से निश्चल मन का प्रेम भरा व्यवहार न मांगो, प्यार करो पर प्यार न। जिसने जगत बनाया जग में उसकी ही इच्छा चलती है, जिसने जगत बनाया जग में उसकी ही इच्छा चलती है, बात कभी की अलग हमेशा दिल की दाल नहीं गलती है, मुक्ति का उपाय सोचो कुछ भुक्ति का भंडार न मांगो, प्यार करो पर प्यार न मांगो। तो करें क्या, जग को हरि का रूप समझकर मन में भाव भक्ति का भर दो, प्रभु की सत्ता सिंधु सरित सा अपना अहम विसर्जित कर दो, छूट जाएगा रोना अपने होने का अधिकार न मांगो, प्यार करो पर प्यार न। देखो फलदाई वृक्षों को कितने नम्र रहा करते हैं, देखो फलदाई वृक्षों को कितने नम्र रहा करते हैं, फल वाले होकर पत्थर का कठिन प्रहार सहा करते हैं, सीखो यह स्नेह देकर के बदले में सत्कार न मांगो, प्यार करो पर प्यार न मांगो। है अनेक में एक यही तो मिलता है उपदेश यहाँ, सभी राम का रूप है पगले रंक और राजेश कहाँ, इसी दृष्टि से सृष्टि बदल दो रिपु का भी प्रतिकार न मांगो, प्यार करो पर प्यार न मांगो। महात्मा जी ने कहा कि बेटा आशा रखी थी उसी का ये परिणाम, इसीलिए अपने यहां संसार में रहने के लिए मना नहीं किया, आसक्त होने के लिए मना किया, आशा के कारण आसक्त हो जाते, यही आशा अटिको रहे हो अली गुलाब के मूल,
वही है बहुरी बसंत ऋतु इन डारन में फूल। और यही तो हनुमान जी ने भी विभीषण जी को संसार दिखा दिया। जैसे ही महात्मा जी ने उस बालक से कहा उठ देख लिया संसार, बालक खोला क्या हमारा है? देख लिया। हनुमान जी ने भी विभीषण जी को संसार दिखाया। विभीषण जी कहते हैं रावण है बहुत खराब, लेकिन हमारे लिए ठीक है। हनुमान जी ने कहा कि यह उसके मोह में अंधे हो रहे हैं कि हमारे लिए ठीक, इनकी आंखों से भी पट्टी हटानी चाहिए। तो हनुमान जी ने क्या युक्ति सोची मालूम? संतों के पास तरह तरह की युक्तियां होती हैं जगाने के लिए, ऐसी जैसे युक्ति से इन संत ने उस बालक को जगा दिया, इसी तरह हनुमान जी ने ये युक्ति लगाई। क्या? पूरी लंका जला दी और जानबूझ के विभीषण की कुटिया छोड़ दी, बस युक्ति बन गई। अब रावण का माथा ठनका, लंका क्या हाल है? पूरी जल गई, कुछ बचा? हाँ, विभीषण जी का मकान, विभीषण की कुटिया नहीं जली, मकान नहीं जला, विभीषण जी का महल नहीं जला ना। रावण बोला अच्छा, बंदर को जब मृत्यु दंड दिया जा रहा तो बचाने कौन आए थे? विभीषण। जरूर इन दोनों की मिली जुली भगत, ये हमारा आदमी नहीं, उनसे मिला हुआ है। ये संत की युक्ति है।